और देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। फाइनली मिल गया, लेकिन भाई इसका जो प्राइस है ना, वो सर पैटा में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा एक। सो ऐसे एक पैटा में इसको बंद करके फिर से ऑन करने से भाई चेंज हो जाएगा। सो आप देख सकते हो चेंज हो गया। सो यहाँ पर फोर वायर देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त स्वस्थ होंगे। सो भाई आज वो फाइनली दिन आ गया। सो आज जाने वाला हो यामा फैशन स्कूटी को मॉडिफाई करने के लिए, यामा फैशन में हजार्ड लाइट लगाने के लिए। सो देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं। और अभी तो मैं हूँ घर के छत पे, क्योंकि रूम के अंदर भाई बिल्कुल भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, और विदाउट लाइट भाई गोप्रो में क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसीलिए छत पे आ गया, और आप देख सकते हो चारों तरफ भाई खेत ही खेत है और लोकेशन बहुत ही मस्त है। और अभी इवनिंग टाइम पे वीडियो को स्टार्ट करो, क्योंकि आज लाइटिंग का मॉडिफाई होने वाला है फैशन स्कूटी में, और लाइटिंग भाई रात में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये जो व्लॉग है व्लॉग को इवनिंग टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूं, और मतलब मॉडिफाई करते करते भाई रात हो जाएगा। देख सकते हो अभी अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि लाइट का मॉडिफिकेशन करना है और वो भी दिन में। भाई ऐसा तो भाई सही बात नहीं है, लाइट का मॉडिफिकेशन रात में ही सही रहता है। सो इसीलिए व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं रात में। सो रात में अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा लाइट का मॉडिफाई स्कूटी में। सो अभी चलते देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं। यहाँ पर तो भाई लगाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत कम है, आज नहीं होगा, कल आना पड़ेगा। तो अभी शॉप में जाके जो फ्लासर होता है और जो इंडिकेटर है वो सब खरीदते हैं, और जो स्विच लगाना है वो भी खरीदते हैं, क्योंकि कल भाई लगाना है। सो आज खरीद लेते हैं, आज जब आया हूँ सो आज खरीद लेते हैं, क्योंकि ऐसे भाई व्लॉग भी हो जाएगा। और देखते हो क्या क्या मिलता है शॉप में, मिलता है या नहीं वो सब, कुटी में हजरत लगाने में कितना खर्चा आएगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखने के मिल जाएगा। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सब कुछ मतलब कैसे लगाते हैं कितना खर्चा है सब कुछ आपको फुल डिटेल्स आपको देखने के मिल जाएगा इस वीडियो में। यहाँ पर बोल रहा है कि अभी नहीं है, कल सुबह आ जाओ, कल सुबह मिल जाएगा। सो अभी तो नहीं मिला भाई, आज का दिन ही खराब है, लाख ही खराब है। सो अभी चलते हैं। सो ये जो वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट डे पे, उस दिन रात में तो भाई कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, फिर घर आ गया था। सो अभी मैं सुबह उठ के सबसे पहले काम कर रहा हूँ एडिटिंग का, जो टेक चैनल का वीडियो है उसको एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि 9 दिनों से भाई टेक चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया। सो अभी क्या करना है, अभी जो वीडियो है उसको मतलब एडिट करके अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद भाई जाना है मॉडिफाई करवाने के लिए स्कूटी को। सो यहाँ पर वीडियो अपलोड हो चुका है टेक चैनल पे। सो ये जो वीडियो का टॉपिक है ये है कि रिकवर कैसे करोगे आप डिलीटेड फोटोज एंड वीडियोज को। सो अगर आप ये देखना चाहते हो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि डिलीटेड फोटोज को वापस ले आना। सो भाई टेक चैनल पे तो वीडियो अपलोड हो चुका है। सो अभी जाके नहा लेते हैं, फिर लॉन्च करके जाना है स्कूटी को मॉडिफाई करने के लिए। फाइनली आ गया, अभी शॉप में चलते हैं, फिर जो मतलब सामान वगैरह खरीदना है वो खरीद लेते हैं, फिर मैकेनिक के पास जाके लगाएंगे। तो यहाँ पर भाई एक दिक्कत आ गया, जो कलर है एलईडी का वो भाई जो येलो कलर होता है वो कलर नहीं है, रेड और एक भाई ब्लू कलर है और कलर नहीं है यहाँ पर, ये दिक्कत आ गया। सो यहाँ पर और एक शॉप में आया था लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला। सो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है भाई, 100 का पेट्रोल भी जाएगा अभी। सो अभी चलते फिर देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं। स्कूटी में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल डालते हैं यहाँ पर, नहीं तो भाई बीच रास्ते में बंद हो जाएगा। फुल पावर चलते हैं, देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं, वहां पर मिलता है या नहीं। वहां तो मुझे तो शायद लग जाएगा वहां पर मिल जाएगा, यहाँ पर तो भाई नहीं मिला भाई। कल यही रीजन था कि कल व्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि कल भाई मिला ही नहीं, आज भी नहीं मिला, लेकिन भाई बोला था कि आज मिल जाएगा, लेकिन भाई आज बोला कि वो जो कलर है वो कलर नहीं है, घटिया सा कोई एक कलर है, लेकिन मुझे वो कलर नहीं चाहिए। सो अभी चलते 20 किलोमीटर दूर एलईडी खरीदने के लिए, फिर देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं। चुका रिएक्शन देख रहे हो भाई,
स्कॉर्पियो भाई जाने दे मुझे। चलो साइड से निकलते हैं, ट्रकों से भाई संभाल के रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि भाई कब मतलब ट्रक किस तरफ जाते हैं पता भी नहीं चलता है भाई, अचानक आ जाता है। अरे भाई कितना ब्रेकर है भाई, ओए होए होए होए। सो ये रहा बाईपास, इसी बाईपास पे आके भाई व्हील वगैरह करता हूँ। सो ये जो बाईपास है ये ऐसे घूम के इस तरफ से जा रहा है। सो भाई ये बाईपास जब मतलब चालू हो जाएगा ना मस्त आएगा राइड पे मज़ा, क्योंकि भाई ये जो बाईपास है ये 11 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मिलता है या नहीं, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा खराब। सो वन के स्पेशल में भाई यहाँ पर आना है एग्जॉस्ट लगाने के लिए। सो देखते हैं अभी यहाँ पर है या नहीं। हाँ सो भाई यहाँ पर फाइनली मिल गया, लेकिन भाई इसका जो प्राइस है ना 280 भाई, कितना ज़्यादा प्राइस है भाई इसका 280 भाई साहब, 280 का भाई। ये चार इंडिकेटर है, वहाँ पर उस शॉप में जाके जो हेजर है उसको और जो स्विच है उसको खरीदते हैं। सो यहाँ पर फ्लैशर या हज़र्ड बोल सकते हो, और यहाँ पर एक स्विच ले लिया। सो अभी चलते फटाफट। फाइनली आ गया मैकेनिक के पास। तो यहाँ पर अभी लगाना है 4 इंडिकेटर, हज़र्ड या फ्लैशर जो भी आप बोलोगे। ओए होए 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 होए, यहाँ पर हो गया काम स्टार्ट। सो देखते कब तक ख़त्म होता है क्या नहीं, और कैसा लगता है कैसा लुकता है। तो यहाँ पर कहाँ पर फिट होगा भाई, देखते कहाँ पर फिट होता है क्या नहीं। सो देखो दो वायर वहाँ पर लगा और दो वायर बैटरी में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो भाई अरे भाई ये देखो भाई, हाय हाय, ये जो बल्ब है इसका पावर उतना खास नहीं है, लेकिन जो खरीद के ले आया भाई उसका तगड़ा पावर है। वो लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा पावर है उसका। ये देख सो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है डेमो, देखने में लगेगा भाई कंपनी से फिट होके आया है, लेकिन नहीं भाई ये डेमो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सो ये भाई ओपन हो जाता है। सो जो हेडलाइट वाला जो स्विच लेके आया था वो यहाँ पर फिट हो जाएगा, कंपनी फिटिंग लगेगा। व्हाट्सअप ठीक है। सो ऐसा सीन है भाई, हेजर्ड के एक्स्ट्रा कोई स्विच नहीं लगाना पड़ेगा। सो यही एक खास बात है यामा फैशन स्कूटी का, और ये सभी मॉडल पे नहीं रहता है, लेकिन मेरा जो स्कूटी है इस मॉडल पे है ये वाला ऑप्शन। सो यहाँ पर 4 वायर देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। सो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है, आप इसको घर में भी लगा सकते हो खुद से। सो यहाँ पर जो 4 वायर है, एक वायर वहाँ पर, एक वायर यहाँ पर, और दोनों जो बाकी होगा वो बैटरी में। सो ऐसा भाई सीन है। सो ये तो भाई कंप्लीट हो गया। सो अभी स्विच को लगाना है और जो इंडिकेटर है उसको लगाना है स्कूटी में, फिर देखेंगे भाई जो पावर वगैरह है क्या नहीं। सो यहाँ पर क्या सीन हुआ, एक दिक्कत आ गया था चारों को लगाने के बाद, भाई खींच नहीं पा रहा था पावर। सो पुराना जो बल्ब है उसी को लगाए पीछे, और सामने जो न्यू LED खरीद के लेके आया था वही है, क्योंकि चारों को लगाने के बाद काम नहीं कर रहा था। क्या काम नहीं कर रहा था, पासिंग लाइट काम नहीं कर रहा था, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो काम नहीं कर रहा था। सो इसलिए पीछे का जो है उसको पुराना ही लगाना पड़ा, और सामने का जो है LED वो न्यू लगाया। सो अभी फुल पावर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। इसमें भाई बहुत सारे पैटर्न में आप लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा एक, सो ऐसा एक पैटर्न है, इसको बंद करके फिर से ऑन करने से भाई चेंज हो जाएगा। सो आप देख सकते हो चेंज हो गया, और ये रहा और एक चेंज हो गया, ये देख सकते हो फिर से बंद करके ऑन करने से भाई फिर से चेंज हो जाएगा।
सो बहुत सारे ऐसे पैटर्न है और देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। अभी फटाफट चलते हैं घर, और आज तो भाई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम देख सकते हो भाई 6:30 हो रहा है टाइम। सो अभी चलते हैं घर, और आज का जो वीडियो कल आएगा आज का वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई देख सकते हो कितना दिक्कत आया है इस वीडियो को बनाने के चक्कर में।